सो हम यहाँ पर एक दूसरी स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर बैक स्लैश एन का यूज़ किया पहले, ठीक। और पाइथन के जगह मैंने लिखा हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, ओके, ठीक। अब चाहे तो आप बैक स्लैश एन का डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि पहले ऑलरेडी तो लाइन पहले से क्या करेगा, वो चेंज कर देगा यहाँ पर, ठीक है। देन हमने क्या किया, अब इसके बाद हमने जस्ट क्लोज किया। अभी आपने सोचा कि सर यहाँ पे आया नहीं, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा और फिर से वापस ओपन करेंगे तो हमें जो फाइल चाहिए वो हमें मिल जाएगी, ठीक। एक मिनट, सो यहाँ पर रीड एंड राइट, हाँ ठीक, एंड यूज फॉर। तो हमने क्या किया, वापस से फाइल लिखी, ओपन, सॉरी यहाँ पर सिंटैक्स गलत हो गया है, फाइल अच्छा क्लोज नहीं किया था जस्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रीड राइट किया यहाँ पर स्ट्रिंग, और इसके बाद लास्ट में मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। फाइल को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब पर्टिकुलर फाइल को हम ओपन करके देखें, देखिए तो पहली वाली उसने क्या किया, स्ट्रिंग हटा दी और दूसरी वाली स्ट्रिंग को सेट कर दिया, ओके। अब बताती कि हमने लिखा क्या है वहाँ पर, तो होता है रीड मेथड। रीड मेथड इज़ यूज फॉर द आर मतलब होता है एंड द रीड मेथड, देन आर प्लस लगा सकते हैं। तो सिंपली क्या है कि हमने क्या किया, फाइल ओपन की, ठीक, आर प्लस मोड पर, आर प्लस मोड पर, ठीक, ओपन हो गई फाइल। इसके बाद मैंने क्या किया, राइट, यानी राइट की जगह मैंने क्या किया, रीड किया ओनली, आर ई ए डी, और मैंने लिखा एस टी आर। मैं चूँकि जो भी हमने वो रीड किया वो किसी एस टी आर में होगा, ठीक है, और हमने यहाँ पर दिया 10 रीड किया उसने। और मैंने क्या किया, सिंपली अब प्रिंट, यानी हमें क्या करना है, सिंपल प्रिंट एंड द एस टी आर को उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। 10 अक्षर पढ़े, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर साइज़ ना देता इसको, मान लीजिए तो क्या करेगा, मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई साइज़ नहीं दिया, देन अब यहाँ पर क्या किया, मैंने रीड प्रिंट किया एस टी आर को, ठीक है, जितना वो रीड को, चूँकि पोजीशन कहाँ पर थी उसकी, ठीक आगे, यानी उसने क्या किया, एज इट जितना उसको पॉसिबल हुआ उतना उसने रीड कर लिया, ठीक। और मान लीजिए अगर रीड मैं पूरी देता, थोड़ी देर के लिए रीड मान लीजिए मैंने 27 दिया जस्ट, देन प्रिंट एस टी आर, तो पूरी की पूरी 27 वहाँ पर है नहीं। तो मान लीजिए हमने इसी तरह का एक बना के दिया, जस्ट लाइक हमने 10 सब जैसे 10 का दिया था हमने। अब चूँकि कर्सर हमारा आगे बढ़ चुका है, अब वो पीछे से रीड नहीं करेगा, चूँकि वहाँ पर जो कंट्रोल का पॉइंट था वो देखिए, अब फिर आप 10 करेंगे तो 10 अब नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कर्सर की पोजीशन। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, टेल मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। टेल मेथड्स का इसका सेंस ये है कि हम रीड करेंगे और यहाँ पर टेल मेथड्स का यूज़ कर लेंगे, और फाइल पहले हम क्या करें, क्लोज कर लें, यानी कि एफ डॉट क्लोज, हमने फाइल को क्लोज किया पहले, ठीक। अब हमने क्या किया, फिर से फाइल को रीड किया, हमें क्लोज करने के बाद ओपन किया, ठीक है, इस फाइल को, ओके। इसके बाद हमने एस टी आर से 10 को रीड किया, ठीक, फिर हमने क्या किया।